गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे डन किया है देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग वीडियो। पूरी देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है या फिर यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो आपको परचेज करने हैं देखने के बाद पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे उनके लिंक्स मैंशन है, मतलब वहाँ जाके आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वो चेक कर लेना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और हाँ, वीडियो देखने आए हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, मेकअप के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बालों को टाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप टिक टिक पिन का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हेयर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं डर्मा वाइव का यहाँ पे हाइड्रा क्लिंजर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है, इसमें ऑटमील यूज़ कर रखा है जो कि स्किन को सूद रखता है और इससे मैं ऑलमोस्ट अपने फेस को फेस वॉश कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ। तो ये विटामिन ई के साथ आता है, मेरी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लस ना ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि ओल्ड स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही सही वाला है और काफ़ी लाइट वेट है। तो इस तरीके से पी साइज अमाउंट आपको लेना है, ऑल ओवर फेस आपको अच्छे से इसे अप्लाई करना है। इसके बाद जिसको भी ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाता है, मेरा फाउंडेशन डल पड़ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी और बिल्कुल मिनिमम फ्रेग्रेंस के साथ ही आता है, लाइट फ्रेग्रेंस के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लस कि मेरी स्किन केयर का बेस्ट पार्ट है। इसके बाद मैं लैक्मे का 9 to 5 एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, ये मेरा फेवरेट प्राइमर है, एज अ आई प्राइमर भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ताकि पूरा फेस ना, जो भी हमारे फेस पे छोटे छोटे ओपन पोर्स होते हैं वो ब्लर आउट हो जाते हैं, जिसके बाद जो मेकअप हम करते हैं वो स्किन में नहीं जाता और हमारा मेकअप अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस एंड नेक पे इसे अप्लाई करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यार मेरे स्किन पे काफ़ी डलनेस है और मार्क्स वगैरह है, तो मैं यहाँ पे पर्पल का ये कंसीलर पैलेट या करेक्टर पैलेट आप बोल सकते हो, ये यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से मैं फ़र्स्ट यूज़ कर रही हूँ एक ऑरेंज शेड। तो जहाँ जहाँ आपके फेस पर डार्कनेस है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरे आइज़ पे थोड़ी सी डार्कनेस है, माउथ के अराउंड थोड़ी सी है, तो वहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, बट मुझे यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद है ताकि अच्छे से मैं ब्लेंड कर पाऊँ, बिल्कुल भी पैची लुक ना आए, तो वो चीज़ होती है। और इसके बाद मैं यहाँ पे येलो करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, तो ये एक ब्राइटनेस इफेक्ट लेके आता है जो कि अभी आप आगे देखोगे। हल्का हल्का आपको हाइलाइटेड एरियाज पे लगाना है और इसके बाद सेम तरीके से मैं इसे ब्लेंड आउट करना स्टार्ट करूंगी। तो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने हल्का सा इसे ब्लेंड आउट करना स्टार्ट किया और यू कैन सी द डिफरेंस, लाइक जो मेरे डार्क सर्कल्स थे वो ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। और इसके बाद ना मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं फाउंडेशन लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या करूं, तो मैंने कंसीलर को यहाँ पे स्किप कर दिया था इसी रीज़न से, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत तगड़े तरीके से हाइड हुए थे। इसके बाद मैं फिजिशियन फॉर्मूला का यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड इसे आपको किस तरीके से, इसके साथ एक एप्लीकेटर ब्रश आता है उससे आपको इसे यूज़ करना है। एंड गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में है एंड साथ ही साथ ना थोड़ा सा इस तरीके का है कि बहुत ही जल्दी स्किन पे चिपक जाता है, तो मेक श्योर जल्दी से ब्लेंड आउट करना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे एक वेट ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से इसे ब्लेंड आउट करना स्टार्ट कर रही हूँ।
जब भी आप मेकअप करो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको मेकअप ना ब्लेंड अच्छे से करना है। जब तक आप ब्लेंड अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी परफेक्ट और यू नो स्मूथ नहीं लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगा। बेस आपका काफ़ी थिक लगेगा तो उससे मेकअप पैची लगेगा और यू नो थोड़ा सा खिसका खिसका लगेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन का लूज बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे फिट मी पाउडर या मतलब कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लूज पाउडर आप यूज़ करोगे ना स्मूथ और प्रोफेशनल वाला लुक देता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैंने पूरे फेस पे इसे सेट कर लिया है। नाउ अब आपको 30 सेकेंड्स तक का वेट करना है ताकि ये सेट हो जाए। तो चलिए तब तक मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। फिजिशियन फार्मूला का ये बटर ब्रॉन्जर है और इससे हमारा फेस ना थोड़ा सा जो यू नो तो हमारे गोलू मोलू से गाल होते हैं उनको ये थोड़ा सा स्लिम लुक देता है। और गाइज यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आते हैं, इनके साथ आपको ख़रीदने हैं तो वीडियो के नीचे जाके आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, लिंक्स मैंने वहाँ पर दे रखे हैं। और मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ ज़रूर जाना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और मेकअप ट्रिक्स कैसी लगी, हर चीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो अब मैं यहाँ पे अपने एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो पाउडर था उसे सेट कर रही हूँ। तो मेकअप में जब तक आप अच्छे से यू नो पाउडर सेट नहीं करोगे, ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो परफेक्ट लुक नहीं आएगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लैक्मे का मैंने एब्सोल्यूट यहाँ पे ब्लश यूज़ किया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स अ टू शेड का यू नो टू इन वन ब्लश है ये, तो इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई किया है। इसके बाद मैजिक यहाँ से स्टार्ट होगा। गाइस दिस इज़ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ एब्सोल्यूट नहीं है ये, मैं इसका नाम भूल गई एक्चुअली, तो अल्टीमेट ब्राउ किट। यस ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 300-299 समथिंग का आता है ये और अच्छे से आपके ब्राउज को डन करवाता है। जैसे कि आप अभी देखोगे तो एक अलग से ही इफेक्ट आएगा आपकी ब्राउज पे। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का यहाँ पे आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसे मेकअप डन करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसे होगा मेरा आई मेकअप। सो यहाँ पे एक न्यूड काइंड में शेड ली है, एज अ क्रीज एरियाज पे इसे मैं डिफाइन कर रही हूँ। थोड़ा सा फोकस मैंने ले लिया है ताकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ईजिली आ पाए मेकअप। बहुत सिंपल काइंड में मेकअप है और बहुत ही सुंदर लगता है, लाइक जैसे आप कहीं बाहर से करवा के आई हो। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्रीज एरिया को डिफाइन करना है। क्रीज एरिया ये होता है, देखो से आपको दिख रहा है डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ड्रेस का कलर। तो यहाँ पे एक पर्पल काइंड में शेड मैंने ली है। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल ब्रश यहाँ पे पिक किया था, तो उस एंगल ब्रश की हेल्प से काफ़ी थिन होता है ना, तो उससे मैं एक शेप बनाना स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा सा क्रीस एरिया पे ही। तो ये देखिए इस शेड को मैं यूज़ करके इस तरीके से क्रीस एरिया पे एक शेप बना रही हूँ। इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश ली है और उसकी हेल्प से मैंने एक डार्क पर्पल शेड लिया है जो कि मेरी ड्रेस से काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा था, और उसे अपने आईलिड पे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। मेक श्योर आपको एकदम से ज़्यादा कलर नहीं लेना है और इस चीज़ का भी ध्यान यू नो रखना है कि अंडर आई एरिया पे आपके गिरता ना रहे वो, क्योंकि यहाँ पे आप मेकअप ऑलमोस्ट डन कर चुके हो। सो यहाँ पे इसके बाद मैंने एक यू नो थोड़ा सा ग्लिटरी लाइट पर्पल शेड पिक किया है, उसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। एक पे मैंने फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके देखा एक पे और ब्रश की हेल्प से, तो फिंगर की हेल्प से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद एक दूसरी मूनलाइट शेड थी आई थिंक ये, तो ये शेड मैंने पिक की है। और इसके बाद यहाँ पर एक बिग बफिंग ब्रश लेके मैं सारा जो मैस है उसे क्लियर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने पैक किए आईलैशेस अप्लाई कर ली है ऑफ़ कैमरा। इसके बाद शुगर कॉस्मेटिक्स का मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और इसे लाइनर लगाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लाइनर मैं बहुत ही बेसिक रखूँगी क्योंकि मेरी जो लैशेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बिल्कुल लाइट लाइट मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आप हल्का सा भी थिक करोगे ना तो आपका आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर आई मेकअप करते हुए अगर आप इस लुक से इंस्पायर्ड होके लगाते हैं, मतलब करते हैं आई मेकअप, तो बिल्कुल थिन लाइनर यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइनर डन कर लिया है। इसके बाद मेरे पास है ब्लू हेवन का ये ग्लिटर, तो गाइस ये गोल्डन ग्लिटर है और इसे मैं इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ ताकि आईज इसे ना लगाने के बाद थोड़ी सी बिग लगेगी, देखना।
और बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है और हटता भी नहीं है ये, तो ये इसकी खास बात है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया। इसके बाद अपनी सेंटर ऑफ आईलिड के मैंने इस ग्लिटर को हल्का सा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और आप देखोगे इसके बाद मेरे आँखों का जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बाय द वे, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि दी आपने लेंसेज तो बताए नहीं आपने कौन से लगाए हैं, तो गाइज ये फ्रेश लुक के लेंसेज है, कलर है हेजल, एंड यहाँ पे मैं मेबलिन का कोलोसोल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वाटरप्रूफ मस्कारा, तो बारिश हो चाहे आंधी आ रही हो, कुछ भी हो, आप इस मेकअप को करके बाहर जा सकते हो, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे मिलानी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड 11 है और 12 है। फर्स्ट मैंने 12 शेड यूज़ की है, जिसका नाम है लव्ड, एंड इट्स थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड में कलर, तो मुझे इसके बाद थोड़ा सा न्यूड काइंड में कलर लेना था, पिंक न्यूड कलर, तो ये 11 शेड है प्रीशियस, ये मैंने इसके ऊपर लगाई है ताकि दोनों को मिला के जैसा मैं डिज़ायर कलर चाह रही थी वो आ जाए। और इस तरीके से मैंने इन दोनों को अप्लाई कर लिया है अपने लिप्स पे। तो गाइज़ इसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप यहीं फिक्स हो जाए, एंड यू कैन सी कितना स्मूथ यहाँ पे मेरा मेकअप हुआ है। नाउ गाइज यहाँ पर ये अच्छे से मैंने सेट कर लिया है, एंड यहाँ पर इसके बाद मैं अपने बालों का हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों में से टेंगल्स को रिमूव करना है ताकि बाल बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्मूथ रहें। आप यहाँ पे कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है। तो फर्स्ट मैं फ्लेक्स निकाल लूँगी आगे से ताकि बाद में इरीटेट ना करे या बाद में मेरा हेयर स्टाइल ख़राब ना हो। देन इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 लेयर्स लेके बालों को ट्विस्ट कर रही हूँ। 2 टिक-टैक की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, समझ गए ना। सेम इसी तरीके से मैं नेक्स्ट साइड हेयर स्टाइल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, और बहुत ही सिंपल सा ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल है ये। तो अगर आप हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं इयररिंग्स चूज़ कर रही थी कि इस ड्रेस पे कौन से ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो ये जो दोनों इयररिंग्स हैं मैंने आई थिंक लाजपत नगर मार्केट से लिए थे, येस 100 रुपीज़ के। और जो मेरा सूट है वो मिंत्रा का है, सो उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। एंड इसी तरीके से मैं दूसरा इयररिंग यहाँ पे वेयर कर रही हूँ। एंड गाइस दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक। सो आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इसी तरह और भी अमेजिंग मेकअप वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।